सो हेलो एवरीवन, और एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस टाइपिंग की सीरीज़ में, जिसमें ये आज डे 10 की टाइपिंग है और ये हमारा लास्ट डे है। मतलब इस पूरे 10 डेज़ में हमने इंग्लिश टाइपिंग को कवर किया है, और आज जो लास्ट डे वाली टाइपिंग है इसमें जो है हम एकदम लास्ट वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है डे 10 के अंदर, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको प्रॉपरली आपने होम रो, अपर रो, बॉटम रो, नंबर रो, सारी रोज शिफ्ट का यूज़, मतलब आपने बहुत क्लियरली अपनी फिंगर की पोजिशनिंग कैसे करनी है, कितने टाइम में टाइप करना है, सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जो है देख चुके हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है आप प्रॉपरली आपको आ चुकी है। अगर आपने प्रॉपरली जैसा जैसा हमने बताया उस तरीके से अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस करी होगी, अच्छे से बिना चीट किए हुए, यहाँ मैं चीट की बात कर रही हूँ, आपको अपने साथ चीट नहीं करना है इस एक्सरसाइज को करते वक्त, आपने प्रॉपर अगर सारा फॉलो किया है तो आपको बेशक टाइपिंग आ जाएगी। और आज डे 10 के अंदर जो हमारा काम है वो क्या है, ए टू जेड हमें टाइप करना है। ओके, ए टू जेड लगभग आपको जो टाइप करना है, आप कोशिश कीजिए 12 से 13 सेकंड के अंदर आप ए टू जेड फटाफट टाइप कर लें। अगर आप पहले धीरे धीरे टाइप कर रहे हैं तो आप अपनी एक्यूरेसी आप बढ़ाने की कोशिश कीजिए। एक्यूरेसी बढ़ गई हो, एक्यूरेसी जो है अगर बढ़ गई हो तो आपको स्पीड भी बढ़ाने की कोशिश कीजिए, मतलब कम से कम गलती और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड। ठीक है, तो ए टू जेड पहले आप विदाउट शिफ्ट टाइप करेंगे, मतलब नॉर्मल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, फिर आप इसको जो टाइप करेंगे आप शिफ्ट के साथ टाइप करेंगे। ठीक है, पहले आपको बिना शिफ्ट के टाइप करना है, मतलब वो लोअर केस यानी स्मॉल लेटर में आ जाएगा। फिर अगर आप शिफ्ट के साथ अगर आप लेटर टाइप करते हैं वो कैपिटल लेटर में आता है ना, ये तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ जब आप टाइप करेंगे तो वो प्रॉपर जो है अपर केस या कैपिटल लेटर में आएगा। और ये प्रैक्टिस करने के बाद, ये अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो प्रैक्टिस करना है, बड़ा ही फेमस एक जो है सेंटेंस है उसे आपको प्रैक्टिस करना है, और वो है अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स अपॉन राइट ओवर द लेजी डॉग। एक बार फिर से हम इस सेंटेंस को रिपीट कर रहे हैं कि अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स अपॉन राइट ओवर द लेजी डॉग। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद लास्ट में आप जो है कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर उठा लीजिए, आप उसको देख देख करके मतलब उसको टाइप करना शुरू कर दीजिए, ताकि जो है आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो सही हो जाए और आपको टाइप करने के लिए नए नए वर्ड्स मिलते रहें। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी को ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हों और समझ में आई होंगी हमारा लेक्चर, और आपने प्रॉपरली प्रैक्टिस करा होगा। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हों और समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, एंड थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।